हे गाइस, वैसे तो ये वाला एपिसोड अनकैनी एवेंजर्स के अंदर नहीं आता, लेकिन आगे आने वाले एक्सिस इवेंट के लिए यह एपिसोड जरूरी है और अनकैनी एवेंजर्स में आगे जो भी कुछ होने वाला है उसके लिए भी ये जरूरी है। ये मैग्नेटो की अलग से एक कॉमिक है और अभी के लिए मैं इसे बीच में से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। मैग्नेटो म्यूटेंट काइंड को बचाने के लिए आगे आता है और उन लोगों को सजा देने के लिए जो कि म्यूटेंट्स के खिलाफ जाते हैं। हांगकांग के अंदर मैग्नेटो को म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन के बारे में पता चलता है और सबूतों को खोजता हुआ वो उस लेबोरेटरी तक पहुंच जाता है जहां पे म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन बनाया जा रहा था, लेकिन तब वहां पे शील्ड भी आ जाती है इसलिए मैग्नेटो को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन अपने साथ मैग्नेटो उस आदमी को भी ले जाता है जो कि म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन को बना रहा था और फिर मैग्नेटो उस आदमी से एक ऐसा म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन बनवाता है जिससे उसकी खुद की पावर्स फिर से पूरी हो सकती है। और इस बात से आप जान चुके होंगे कि मैग्नेटो अपनी पूरी पावर में नहीं है, वो जीनोसा पहुंचता है जहाँ पे रेड स्कल ने म्यूटेंट्स को कैद करके म्यूटेंट कंसंट्रेशन कैंप बना रखे हैं। और ये बात आपको अनकैनी एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में पता चल गई होगी। मैग्नेटो अपने मन में सोच रहा है, एक टाइम पे ये आइलैंड समृद्धि की जगह हुआ करता था, मैंने यहाँ के म्यूटेंट्स को आजाद करा लिया था और जब मैं यहाँ पे राज करता था तब ये एक स्वर्ग था, लेकिन फिर ये एक कब्र बन गया और अब कुछ और ही बन चुका है। जेनोसा फिर से खड़ा हो चुका है लेकिन इसमें जहर फैल चुका है क्योंकि यहाँ पे एक नया दानव राज करता है। हालांकि मैं इस जगह को छोड़कर जा सकता था और इस आइसलैंड के बारे में चिंता करना छोड़ सकता था, लेकिन यहाँ आने जाने के कई सारे गुप्त रास्ते हैं जिन रास्तों के बारे में इस आइसलैंड के नए मास्टर्स नहीं जानते और जो मानते हैं कि इस आइलैंड से केवल मरकर बाहर निकला जा सकता है। लेकिन मुझे अब भी याद है कि इस आइलैंड पे म्यूटेंट्स को दर्द पहुंचाया जाता था और अब एक बार फिर से इनको दर्द पहुंचाया जा रहा है जैसे कि इसे रोकने वाला कोई ना हो। मैग्नेटो अपने सामने एक मरे हुए म्यूटेंट को देखकर अपने मन में सोचता है आखिर इस म्यूटेंट के पास कौन सी पावर्स थी, यह अपने साथियों को क्या तोहफे दे सकता था, इस वर्ल्ड को क्या दे सकता था, क्या वो उनके सामने झुका जो इसको मारने वाले थे, क्या ये उनसे वापस लड़ा। हाल ही में एक सेंटिनल यहाँ पे तबाही मचा के गया है, एक सेकंड के अंदर उसने 16 मिलियन म्यूटेंट्स को मार दिया और मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। तब मैग्नेटो को अपने सामने और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स मरे हुए दिखाई देते हैं। वो सोचता है म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस जिन्हें दर्दनाक तरीके से पीटा गया और इस गले में फेंक दिया गया एक कबाड़ी की तरह, आखिर यहाँ पे क्या हुआ था और क्यों हुआ था। तब मैग्नेटो को अपने बचपन की याद आने लगती है जब वो भी एक कंसंट्रेशन कैंप के अंदर था। और गाइस, इसकी एक अलग से कॉमिक है। उस टाइम पे कंसंट्रेशन कैंप में मरे हुए लोगों को फर्नांस के अंदर डाल दिया जाता था और ये देखकर मैग्नेटो उल्टियां करने लगता। उस कैंप से गुजरते हुए मैग्नेटो एक जर्नल को देखता है जो अपने सोल्जर से कहकर फर्नांस को और तेज करने के लिए बोलता है ताकि इस ठंड भरी रात में उनको गर्मी मिल सके, और सौंदर कमांडो ग्रुप के बारे में और जानकारी लाने के लिए बोलता है। और गाइस, मैग्नेटो इसी ग्रुप का मेंबर था। वो अपने बिस्तर पे बैठा हुआ है, उसके सामने एक कागज पे कुछ चीजें रखी हुई हैं, और फिर वो अपनी पावर से एक लोहे की कील उठाता है और उस कील को लकड़ी में गाड़ देता है। वो उस जर्नल को मारने की सोचता है। प्रेजेंट में मैग्नेटो कह रहा है कि मैं अपने बचपन में काफी कुछ सीक्रेट रखा करता था और तभी से मैं काफी कुछ सीक्रेट्स रखता आ रहा हूँ, मुझे जिंदा रहने के लिए ऐसा करना पड़ा, खुद ही के लोगों की लाशों को जलाना पड़ा। तभी मैग्नेटो को अपने सामने दो म्यूटेंट्स दिखाई देते हैं। अपने सामने मैग्नेटो को देखकर वो दोनों असल में डर जाते हैं। तब मैग्नेटो बोलता है शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, और एक म्यूटेंट का कॉलर उतार देता है और दूसरे का उतारने ही वाला होता है कि वो म्यूटेंट बोलती है नहीं ऐसा मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अगर उन लोगों ने मुझे बिना कॉलर के देख लिया तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। अब मैग्नेटो पहले वाली औरत से पूछता है तो क्या मैं तुम्हारे वाला कॉलर भी फिर से लगा दूं? तब वो म्यूटेंट बोलती है हमारे दिमाग के अंदर एक इंसान है, वो हमें वार्निंग देता है कि तब क्या होगा अगर हमने उसकी बात नहीं मानी, वो लाल खोपड़ी वाला इंसान है। मैग्नेटो बोलता है वो रेड स्कल है। तो तुम उस आदमी से डरती हो, क्या तुम उसका सामना नहीं कर सकती? वो म्यूटेंट बोलती है आखिर मैं उससे कैसे लड़ूंगी क्योंकि मेरे पास ये बस थोड़ा सा इल्यूजन बनाने की पावर्स हैं, मैं तो एक म्यूटेंट भी नहीं हूँ। और तब वो चार्ल्स जेवियर्स का इल्यूजन बनाते हुए बोलती है और कई बार ये लाल खोपड़ी वाला इंसान हमारे दिमाग में अलग तरीके से दिखाई देता है। वो बोलता है कि लाल खोपड़ी वाले इंसान ने उसकी पावर्स ले ली और उनका यूज करके खतरनाक चीजें कर रहा है और इसे रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तब वो दूसरी म्यूटेंट बोलते है कि हमें जाना होगा। मैग्नेटो बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ और कायरों की तरह छुप जाओ, किसी और
को तुम्हारी मदद करने दो, मैं वो लड़ाई लड़ूंगा और तुम लोग शर्मिंदा होकर जिंदा रहना, क्योंकि तुम्हारी पावर से तुमको ताकत नहीं मिलती बल्कि तुम्हारे विश्वास से मिलती है। और फिर हमें मैग्नेटो के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब मैग्नेटो उस जर्नल के पास से गुजर रहा था, उसके हाथ में वही कील थी और वो उस जर्नल को मारने के लिए अपनी पावर्स का यूज करने ही लगता है कि तभी पीछे से कोई मैग्नेटो को धक्का दे देता है और इससे वो कील नीचे गिर जाती है। मैग्नेटो के पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो जमीन से उस कील को उठा सके, इसलिए मैग्नेटो आगे चला जाता है। प्रेजेंट में मैग्नेटो हमें बोल रहा है कि वो जर्नल मर चुका है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। सालों बाद जब मेरे पास पूरी पावर्स आ चुकी थी, तब भी मैं उसे नहीं मार पाया। मैंने किसी और को उसे मारने दिया और तब से मैं शर्मिंदगी से जी रहा हूँ, लेकिन आज मैं सब कुछ ठीक करूंगा। मैग्नेटो को अपने सामने रेड स्कल दिखाई देता है और वो आसपास की चीजों से कील निकालकर रेड स्कल को मारने ही वाला होता है कि जिन मैग्नेटो के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि रेड स्कल के एस मैन ने मैग्नेटो को देख लिया है। जी मैग्नेटो से बोलता है, हत्यारे तो अब बता कैसा लग रहा है। तो पीछे से अपने दुश्मनों के ऊपर वार करता है, जिनकी आग से तुझे काफी दर्द हो रहा है, काश कि तुझे इससे हजार गुना ज्यादा दर्द होता। और फिर रेड स्कल भी मैग्नेटो को देख लेता है। डांसिंग वाटर बोलती है, अरे मैग्नेटो जी की चिंता मत करो, जो कुछ तुमने जी की फैमिली के साथ किया उसके लिए तुम्हें तड़पाना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारी उस आग को बुझा देती हूँ। मैग्नेटो बोलता है, तुम मॉन्स्टर्स हो और तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, कोई कायर नहीं हूँ जिसे तुम उसके रास्ते से हटा सकते हो। मैग्नेटो इनके ऊपर अटैक कर देता है और फिर रेड स्कल के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, नाजी मैंने तुम्हें पहले ही बताया है मैं तुमसे अच्छा हूँ, हालांकि एक बार मैं तुम्हें पहले दया दिखा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। रेड स्कल बोलता है, तुम वही पुरानी लड़ाई लड़ रहे हो, तुम ये मान रहे हो कि तुम उसी पुराने दुश्मन से लड़ रहे हो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। तब जी मैग्नेटो के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, ये पत्थर फेंकने से तुम मुझको नहीं रोक पाएगा, मेरे गुस्से को रोका नहीं जा सकता। तब इंसेक्ट मैग्नेटो के ऊपर अटैक कर देता है। मैग्नेटो सोचता है, मैं बेवकूफ था, मैंने रेड स्कल को मारने के लिए काफी लंबा वेट किया क्योंकि मैं अपने आप को साबित करना चाहता था। तब गॉड फेस्ड गर्ल मैग्नेटो की तरफ देखती है और अपनी पावर्स का यूज करके मैग्नेटो की पावर्स को शांत कर देती है। रेड स्कल वहां से जाते हुए बोलता है, ये मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म है, इसे पकड़ लो। जी बाकी लोगों से बोलता है, इसे अभी मत मारना, मैं इसको तड़पाना चाहता हूँ, मैं खून के बदले खून चाहता हूँ। तभी मैग्नेटो को पास में वो म्यूटेंट दिखाई देती है और मैग्नेटो इशारों में उस बच्चे को बोलता है, नहीं बच्चे कुछ मत करना, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते,